12 दिसंबर पिछले 24 घंटा में मलकानगिरी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह करके हल्का बारिश हुआ है, बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में ही ड्राई व सूखा वेदर ही था। कोरापुट का लांतापुत में 3.4 मिलीमीटर, कोरापुट में 1.2 मिलीमीटर, मलकानगिरी में 1.2 मिलीमीटर बारिश हुए है। मिनिमम टेम्परेचर व नाइट टेम्परेचर अभी हमारा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में स्वाभाविक से ज्यादा है, कुछ कुछ स्थानों पर 2 से 5 डिग्री तक स्वाभाविक से ज्यादा है। लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर आज सुबह था सुंदरगढ़ केउनझर में 13.2 डिग्री सेल्सियस प्लेन्स एरिया में। भुवनेश्वर सिटी में हमारा टेम्परेचर था 17.7 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, और स्वाभाविक से 2.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। अभी अगला 5 दिन का जो फोरकास्ट हमारा है, नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारा मलकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर नोआपारा कालाहांडी बरागढ़ ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह में हल्का बारिश हो सकता है, बाकी सभी जगह में मोस्टली ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में मोस्टली ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। फिर कल 13 से 16 तक मोस्टली सभी जगह में ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। मिनिमम टेम्परेचर व नाइट टेम्परेचर में अभी नेक्स्ट 24 आवर्स में ज्यादा चेंजेस होने का चांसेस नहीं है। 24 आवर्स के बाद ग्रेजुअली टेम्परेचर फॉल करने का चांसेस है, और सब्सिक्वेंटली 4 दिन में हमारा 2 से 4 डिग्री तक फॉल करने का चांसेस है मेनी प्लेसेस में। कल सुबह एक दो जगह करके स्लाइट टू मॉडरेट फॉग भी हो सकता है, मेनली कोरापुट रायगढ़ गजपति गंजाम कंधमाल कालाहांडी साउथ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में। और मिनिमम टेम्परेचर भुवनेश्वर में कल हमारा 17 का आसपास ही रहने का चांसेस है, और भुवनेश्वर सिटी में पार्टली क्लाउडी स्काई होने का भी चांसेस है। Thank you.